नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। शाम के 4 बजने को है सबसे दमदार बहस का शो एनकाउंटर के साथ। मैं हूं प्रत्युष खरे। आतंकी आत्मघाती सोच के सबसे बड़े शिकार देशों में भारत भी शामिल। हमने दिल्ली का दर्द देखा, मुंबई के धमाके देखे, अजमेर के ब्लास्ट देखे, मालेगांव, हैदराबाद, न जाने कितने शहरों को हमने जलते देखा। जम्मू कश्मीर में तो एक वक्त ऐसा था कि कोई भी दिन किसी अनहोनी के बिना बीत जाए, ऐसा होता नहीं था। मोदी सरकार ने आतंक के मुंह पर, चेहरे पर, जब से फौजी तमाचों के निशान छापने की छूट दी है, देश के अंदर और बाहर की आतंकी सोच बौखलाने लगी है। भारत की कूटनीतिक रणनीति का नतीजा है कि पाकिस्तान को यह मानना पड़ा है कि उसने पिछले कई सालों से दाऊद को अपने यहां पनाह दे रखी है। इस बीच दिल्ली से गिरफ्तार आईएस आतंकी मुस्तकीम के बलरामपुर स्थित घर से जो आतंकी सामान बरामद हुआ है, उससे यह डर पैदा हो गया कि देश में अब भी ऐसे कितने मुस्तकीम और कितने बलरामपुर हैं। आज इसी सोच और साजिश का हम करेंगे एनकाउंटर। सबसे पहले आपको सवाल दिखाते हैं, किन सवालों के साथ आज इस बहस की शुरुआत होगी। हिंदुस्तान में कितने स्लीपर शैतान हैं? मुस्तकीम की तरह एक मुस्तकीम पकड़ाया है, अभी ना जाने कितने छिपे होंगे। दाऊद और बगदादी किसके कितने आतंकवादी हैं और कैसे इस स्लीपर सेल को वो आगे बढ़ा रहे हैं? आत्मघाती देशद्रोहियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी? वहाबी सोच के हेडक्वार्टर का एनकाउंटर कब होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल यह है कि जब पाकिस्तान मान चुका है कि दाऊद पाकिस्तान में है, तो उसे कब पकड़कर दबोचकर हिंदुस्तान लाया जाएगा? सवाल यह भी कि आईएस की इस वहाबी सोच, जिसको वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान में स्लीपर सेल बढ़ा रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? इसी पर हम बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। यूपी का बलरामपुर अचानक सुर्खियों में आ गया जब पता चला कि यहीं का रहने वाला एक शख्स दिल्ली को दहलाने निकला था। आतंक की यह साजिश इस दहशतगर्द ने अपने बलरामपुर अड्डे पर बैठकर रची, जिसका ब्लूप्रिंट इसे आईएसआईएस से कुरियर के जरिए मिला। आतंकी यूसुफ खान आईएसआईएस के संपर्क में कैसे आया, ये सनसनीखेज खुलासा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब आतंकी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस उसके अड्डे पर पहुंची, तो आतंकी की तैयारी देखकर दोनों ही राज्यों की पुलिस के होश उड़ गए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बम विस्फोट की साजिश रचने वाले यूसुफ खान ने बम धमाके का एक टेस्ट अपने गाँव में ही किया था, ताकि उसे इस बात का यकीन हो जाए कि आईएसआईएस ने तबाही का जो सामान उसे मुहैया कराया था वो अचूक है। यूसुफ ने एक छोटा सा बम बनाया और अपने गांव के कब्रिस्तान में ही धमाका कर उसकी क्षमता को परखा। अप्रैल में वहीं बगीचे के पास से मतलब गोला जैसा उड़ा और उसके पीछे मतलब रोशनी ज्यादा थी और फिर उड़ के इधर की साइड में गया। अब क्या पता कहां पर गया। अच्छा, आवाज बहुत तेज हुई थी क्या? आवाज तेज। दिल्ली में कई धमाके करके लोगों की जान लेना इसकी साजिश तैयार थी, लेकिन ये प्लान ए था। अगर प्लान ए नाकामयाब हुआ तो प्लान बी भी इसका तैयार था, जो अचूक था, और प्लान बी अगर सटीक बैठता तो बड़ी तबाही तय थी। जी हाँ, इस आतंकी का प्लान बी था आत्मघाती हमला। इसके लिए इसने दो सुसाइड बॉम्बर वाले जैकेट तैयार किए थे, जिसके बटन दबाते ही उस आतंकी के और उसके आसपास मौजूद दर्जनों लोगों के चिथड़े उड़ जाते। पुलिस ने आतंकी को साथ लेकर जब उसके घर पर रेड डाली तो एक आत्मघाती जैकेट बरामद हुआ, जबकि दूसरा जैकेट उसकी पत्नी ने तालाब में फेंक दिया था। सामान जो घर में था, जो सामान घर में था, तो मैं देखी होती थी, तो उसके लिए मैं कहती थी कि ऐसा ना करो, गलत है, गलत कर रहे हो। और मुझे नहीं पता था कि वो आतंकी में जॉइंट थे या और कहीं थे। आप देख रहे हैं ये बक्सा जो खुला पड़ा है, इसी में से एक जैकेट और जो भारी मात्रा में विस्फोटक है वो यहाँ से बरामद हुआ है। इसके बगल एक आप देखेंगे सामान जो बिखरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे दो बक्से नीचे रखे हुए हैं, ये खुले पड़े हैं, एक बक्सा ये बगल है, इसमें भी जो है भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है।
थोड़ा आप देख रहे होंगे कि काला बारूद टाइप का काला पन्नी हल्का फुल्का पड़ा हुआ है, इसी में से विस्फोटक बरामद हुए हैं। चार जो बोतल बरामद होने की बात की जा रही है जिसमें विस्फोटक थे, छर्रे थे। संभवतः जो छोटा ब्लास्ट की जो बात की जा रही है, जो छोटा ब्लास्ट इसके द्वारा किया गया है, वो उन्हीं बोतल से कब्रिस्तान में किया गया है। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले ही उसे एक कुरियर मिला था, जिसके बाद ये लखनऊ गया और वहां से अपना फोन स्विच ऑफ कर दिल्ली पहुंच गया। परिवार वालों का कहना है कि यूसुफ की इस साजिश के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। हाँ अंकल, अचानक जब पुलिस आई हम लोगों को कुछ पता नहीं था। अब हम लोगों को वो सामान रखा था, हम लोगों को नहीं पता कि है क्या, कुछ पता नहीं था कि ये कौन सी चीज है, क्या होता है इन सब चीजों से। अब अचानक पता चला तो शायद की जॉकेट थी। अब जॉकेट में क्या था आई डोंट नो, दिमाग में गया ही नहीं कि ये सब क्या हो सकता है। कमर में चोट की वजह से यूसुफ अपने घर में ज्यादातर रेस्ट करता था। वो हमेशा अपने मोबाइल का ईयरफोन अपने कान में लगाए रहता था। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी यूसुफ खान ने शुरुआत में दिल्ली पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की। उसने पुलिस को अपना नाम यूसुफ बताया, जो कि उसके बेटे का नाम है। उसका असली नाम मुस्तकीन है। नहीं साहब, यूसुफ आज तक सुने नहीं। उसी यूसुफ उसका उसके बच्चे छोटा जो बच्चा है लड़का है उसका नाम है। नहीं, जो कल लेकर आए थे हाँ आपके, वो आपका लड़का है? हाँ मुस्तकीम हमारा बच्चा है, इसको पुलिस पकड़ी। हाँ सर, दिल्ली में पकड़ा गया आतंकी यूसुफ नहीं बल्कि मुस्तकीन है। मुस्तकीन की बहन ने बताया कि उसका भाई काम के सिलसिले में हैदराबाद, दुबई और सऊदी में रह चुका है। सऊदी में उसे जेल भी हुई थी। हो सकता है कि जेल में आईएसआईएस के किसी आतंकी से उसकी मुलाकात हुई हो, जिसके बाद उसे भारत में दहशत फैलाने के लिए चुना गया। हैदराबाद गए, हैदराबाद से पता नहीं कितने दिन रहे, कुछ नहीं पता। हैदराबाद से फिर दुबई शायद गए। दुबई गए तो वो टूरिस्ट वीजा था 6 महीने का, और उसके बाद में वो सऊदी चले गए। सऊदी में जहाँ गए तो मतलब जो उनका वो था बॉस, वो ज़्यादा उन्हें अच्छी सैलरी नहीं देता था, जिसकी वजह से वो पासपोर्ट छोड़ के चले गए। तो 5 साल वो कुछ महीने जेल में थे, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ की पुलिस उन्हें भेज दी बिना पासपोर्ट के। आतंकी अबू यूसुफ अफगानिस्तान खुरासान में जाकर हिजरत की योजना बना रहा था। उसने पत्नी और 4 बच्चों का पासपोर्ट भी बनवा लिया था। फिलहाल यूसुफ से मैराथन पूछताछ जारी है। उसकी निशानदेही पर अब तक उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ में अभी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब एनकाउंटर की शुरुआत करने से पहले जल्दी से मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गुलाम अब्बास शाह साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। स्वागत है गुलाम अब्बास जी आपका हमारे साथ। उज्ज्वल निकम सर जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हमारे साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ। थोड़ी देर में नीरज कुमार जी जुड़ेंगे, जो कि पूर्व कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली है, और एक्स डीजी सीआरपीएफ दिलीप त्रिवेदी भी हमारे साथ बहुत ही जल्द जुड़ेंगे। सबसे पहले उज्ज्वल निकम सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 27 सालों में पहली मर्तबा पाकिस्तान ने कम से कम खुलकर कबूल तो किया कि उसने दाऊद इब्राहिम को अपने यहां पना दे रखी है। अब आपको लग रहा है कि इस दाऊद को दबोचने में हिंदुस्तान को आसानी होगी? हेलो, लेकिन वापस पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया जी, और पाकिस्तान ने ये कह गया है कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहां नहीं रहेगा। मैं इस बात से हैरान भी नहीं और मुझे ताज्जुब भी नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली बार पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लिया। इसके पहले भी कई बार यू टर्न लिया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 93 का बॉम्ब ब्लास्ट जो कि मैंने चलाई थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम वांटेड है, दाऊद इब्राहिम साजिश में शामिल था। साजिश में शामिल होने के बाद दुबई में यह साजिश हुई। डायरेक्टर टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और 7 मुंबई के लड़के थे और 2 ISI के शख्स। और जैसे ही दाऊद इब्राहिम ने उस मीटिंग में एक्सेप्ट कर लिया था कि वो उसका स्मगलिंग चैनल आरडीएफ के लिए और फायर आर्म्स मुंबई के लिए स्मगल करने के लिए चैनल यूज करेगा, और उसके मुताबिक 7 अभियुक्तों को पाकिस्तान भेजा गया था। दुबई से इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कोई इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं, और उनके पासपोर्ट ना एम्बार्केशन ना दिसंबर के हफ्ता लगाया गया। वापस दुबई आए, दुबई से मुंबई आए। देखिए पासपोर्ट जब हमने देखे मुंबई में तो पासपोर्ट दुबई छोड़ने का 1 तारीख था और वापस 20 दिन के बाद दुबई में आने की। इसका मतलब है कि एक कंट्री अपनी आइडेंटिटी अवॉइड कर रहा था। इसमें से 2 माफी को गवाह बना दिए गए,
और उन्होंने आमतौर पर कोर्ट पे जवानी दी। दाऊद इब्राहिम को आज पाकिस्तान नकारा इसलिए नकार रहा है कि दाऊद इब्राहिम को और आईएसआई की उसकी बहुत नजदीक से तार जुड़ी है, उसको कई पाकिस्तान के राज मालूम आते हैं। पाकिस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने जो कल तक तो सूची दी थी फाइनेंस सेक्टर फाइनेंस के लिए, तो उसके बाद इंटरनेशनल की यश है, मैं मानता हूं जीत है, लेकिन अगर दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप गया तो कई राज उनके सुन सकते थे। इसीलिए आईएसआई पाकिस्तान आर्मी ने दबाव डाला। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट जो पाकिस्तान सरकार ने इश्यू किया है वो रावलपिंडी से इश्यू किया है, बाद में फिर कराची इश्यू किया। रावलपिंडी में आईएसआई का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। नंबर टू, जैसे ही मैंने 36/11 का आतंकी हमला चलाया था अजमल कसार की, उस वक्त अजमल कसार ने इकबाली बयान में पाकिस्तान का तुरंत पाकिस्तान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हमारा नहीं है वो। पाकिस्तान के जीओटी ने भंडा फोड़ दिया कि फरीदाबाद का पठानकोट का है, फिर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। कसार को देने के बाद मैं और भारत सरकार के अधिकारी खुद इस्लामाबाद गए थे, हमने एक संगीन सबूत दिए, हमने कहा कि हाफिज सईद और झक्की रहमान लकी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने कहा नहीं, सबूत कौन से चाहिए, साजिश आपकी यहाँ हुई है, आपने साजिश के सबूत ढूंढने के, हमने और क्या सबूत किए। फिर बाद में मैंने बम्बई के कोर्ट में डेविड हिडली की गवाही ली, डेविड हिडली की गवाही में उसने कई सनसनी खुलासे किए, वो भी सब डॉक्यूमेंट्री ईमेल कर हमने पाकिस्तान को भेजे। हमने एनएसए को भी इसके बारे में अपने एनएसए को भी हमने अवगत किया था और एनएसए साहब ने उनको भेज दिया पाकिस्तान को, फिर भी पाकिस्तान आज तक बात इतने नहीं सारे सबूतों के बाद, उज्जवल निकम सर, इतने सारे सबूतों के बाद पाकिस्तान पूरे दुनिया भर में नंगा हो चुका है, उसके बावजूद ये कहता है पहले कि दाऊद कराची में रहता है और अभी 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि यू टर्न मान लेता है। गुलाम अब्बास साहब, क्या दिक्कत है पाकिस्तान की? अरे हिंदुस्तान का गुनहगार, उसे सौंप दीजिए। अरे भाई, आपका शहरी है, आपका गुनहगार है, ये जो भी है आपका शहरी है, आप उसको ढूंढिए। पहली बात तो ये कि ये क्लियर, आप उसे ढूंढिए। जो अरे पाकिस्तान में ठिकाना है, आप कह रहे हैं कि आप उसे ढूंढिए, आप उसे सौंपिए। आप फॉरेन अफेयर के अगर कोई एक्सपर्ट बैठा है तो उनसे ये पूछिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस थी उसमें जितनी सैंक्शंस जिन लोगों पे लगी थी, पाकिस्तान ने 88 लोगों को उस लिस्ट में डाला है, और उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो यूएन ने हमें डाटा दिया कि भाई ये डाटा जो इंडिया ने यूएन को दिया उन्होंने दिया, तो क्या गुलाम अब्बास साहब आप ये कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? आपको अभी भी कोई डाउट, दाऊद एंड फैमिली पाकिस्तान में नहीं रहती है? मेरी यार सुन लीजिए, फॉरेन ऑफिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, अब तो उन्होंने कह दिया है। अभी तक आपको कोई डाउट है, कोई शक है क्या भाई? जहां पे भी है आप उसको ढूंढिए, आप उसको ढूंढ के ले जाइए, जो मर्जी सजा दीजिए। दूसरी बात, अभी जो साफ एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान उसे सौंपेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर दाऊद है। पाकिस्तान तो ये भी कह देगा कि हाफिज सईद भी यहां पर नहीं है। पाकिस्तान तो ये भी कह देगा कि यहां पर अजहर मसूद भी नहीं है। पाकिस्तान तो कुछ भी कह देगा। मेरे भाई हाफिज सईद यहाँ पे था तो उसको जेल में डाला हुआ है ना, 5 साल कैद की सजा उसको हुई है ना। और दूसरी बात ये कि जो आप बम्बई अटैक की बात कर रहे हैं, कौन सी जेल में डाला है दुनिया जानती है? दिखावे के लिए क्या क्या डाला गया कि हमने उसके सारे बैंक अकाउंट सीज कर लिए। अरे वो संगठन का नाम बदल कर स्लीपर सेल पैदा कर रहा है। जीडी बख्शी साहब देखिए, पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर यू टर्न मार लिया कि दाऊद तो हमारे यहां है ही नहीं, हमने तो आतंकियों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई कर दी। यह है पाकिस्तान का चरित्र। देखिए, पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है, ये झूठ बोल बोल के अपने आप को डॉक में टाई अप कर रहे हैं और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेशर से इनका दिमाग फट ही आ गया। एक दिन हाँ बोलते हैं, दूसरे दिन वो करने लगते हैं कि इन्होंने तो बड़ा भारी पॉप आ कर दिया। देखिए साहब, बात ऐसी है कि दाऊद इब्राहिम आईएसआई का सबसे बड़ा सरगना है, उसका चीफ लॉजिस्टिक एक्सपर्ट है, उसके हाथ सैकड़ों हिंदुस्तानी जो है बेचारे आम नागरिकों के खून से रंगे हुए,
1993 का जो बॉम्बिंग कांड था, दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट टारगेटेड अटैक्स इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ टेररिस्ट काइंड। 270 के ऊपर लोग मारे गए, 750 के करीब घायल हुए थे। ये तो मुंबई के 26/11 अटैक से बड़ा अटैक था, और ये सारा का सारा ये दाऊद इब्राहिम ने आईएसआई की मदद से करवाया है। उसका घर देखिए, आलीशान कोठी कल पाकिस्तान ने एडमिट करी। फौज के एरिया में है वो, जहां फौजी रिटायर्ड जनरल साहब रहते हैं इनके। ये माफिया है, देश है। अब इसमें दबाव पड़ रहा है, सऊदी अरेबिया इनको नकार रहा है, धकेल रहा है बाहर, तो इनकी आफत आन पड़ी है। जीडी बख्शी, लगता है आप सटे आ गए हैं। मसला ये है कि हम नहीं सटे आए। मैं आपको बताऊं, आप कभी कराची आए? आप सटे आए हैं, आप ना सटे आए हैं। आप एक जो है, यू आर अ टेररिस्ट कंट्री। आप जो है जनाब, आपका एक माफिया मुल्क है। मुल्क नहीं है, एक माफिया है। टेररिज्म स्प्रेड करने का माफिया। बात क्या कर रहे हैं आप? सुन लो भाई, बात क्या कर रहे हैं? सनी देओल की कोई इंडियन मूवी देख के आए हैं आप? क्या आप सनी देओल के बॉलीवुड नहीं है मेरे भाई? हकीकत में आपको आपको पता होता है, आपको हिंदुस्तानी मूवी का बड़ा शौक है, आप जानते हैं। ठीक है, बॉलीवुड मूवी में सिर्फ बॉलीवुड मूवी नहीं, मैं इस ये सुन लीजिए, मैं इस देश की फौज में था 1971 में, जब आपके मुल्क के दो टुकड़े हुए थे। समझ रहे हो? मेरी बात सुने, मैंने आपको बड़ा पढ़ा हुआ है। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, मैंने उस भारी जंग में हिस्सा लिया हुआ है जिसमें आपके मुल्क के दो टुकड़े हुए थे। अब आप साहब ये देखा है, आतंकवाद को आप समझते हैं, बचपन से तो आपने सपोर्ट किया था ना, आप इसको मानते हैं ना, तो फिर कौन टेररिस्ट स्टेट है, कौन टेररिज्म फैला रहा था? कारगिल में आपने अपने मुंह से। चलिए मैं दिलीप सर और धीरज सर का रुख करूं, उससे पहले शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज हुसैन जी, क्या पाकिस्तान यही चाह रहा है कि जैसे एबटाबाद में लादेन को घुसकर अमेरिका ने मारा, खींचकर ढूंढ निकाला, उसी तरीके से दाऊद इब्राहिम को भी खींचकर निकाला जाए वहां से? क्योंकि देखिए 24 घंटे भी नहीं बीते, पाकिस्तान ने यूटर्न ले लिया कि हमारे यहां तो दाऊद है ही नहीं। देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, आतंकिस्तान है, और इसको सुषमा जी ने यूएन जनरल असेंबली के मंच से कहा था, पूरी दुनिया इनको टेररिज्म का हब मानती है। कहीं भी आतंक होगा उसकी जड़ पाकिस्तान होगी। दुनिया में जितने बुरे काम है उसकी जड़ पाकिस्तान होती है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए टेररिज्म के मामले में खतरा बना हुआ है। जब इनकी पूरी तरह रोटी पानी बंद होने वाली है, अब तो सऊदी अरब ने भी इनको नकार दिया, ये अलग थलग पड़ गए हैं, तो इन्होंने एक लिस्ट दे दी, पहले कह दिया कि हमें दाऊद इब्राहिम यहाँ है, और व्हाइट हाउस बना दिया। तो दाऊद इब्राहिम के मकान का नाम ही व्हाइट हाउस है। ये अमेरिका के व्हाइट हाउस से जितना नहीं डरते उतना दाऊद इब्राहिम को अपना आखा बनाए बैठे हैं, क्योंकि जितनी भी हरकत करता है दाऊद इब्राहिम के जरिए आईएसआई हिंदुस्तान में, अब ये बेनकाब हो चुके हैं। इनको तुरंत दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपना चाहिए, और पूरे दुनिया को पाकिस्तान को एक आतंकवादी मुल्क घोषित करना चाहिए। ये मुल्क पूरे दुनिया के लिए खतरा है, पूरे सरजमी के लिए खतरा है। ये मुल्क ही नहीं है, यहाँ दुनिया में जितना टेररिज्म में बढ़ावा देने वाला, ड्रग का काम करने वाला, दुनिया में सऊदी अरब चले जाएं, जितने हाथ काटे जाते हैं, गर्दन काटी जाती है, उसमें सबसे आगे कौन होता है? पाकिस्तानी। दुनिया के हर बुरे काम का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है। इसलिए जब एक बार कबूल कर लिया तो दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले करो, ताकि मुंबई बम ब्लास्ट का वो हमलावर है, उस पर भारतीय कानून के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे और उसको सजा देंगे। लेकिन पाकिस्तान की आदत है, ये प्याज भी खाता है, जूते भी खाता है, ये बता भी दे रहा है और छुपा भी ले रहा है। इस तरह इन्होंने अमेरिका को धोखा दिया, उनसे पैसे ठगे, और कहा कि इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो अलकायदा के खिलाफ हैं, हम अफगानिस्तान में आपके कार्रवाई के साथ हैं, और ओसामा बिन लादेन पर अमेरिका बम बरसाता रहा अफगानिस्तान में, और ये एबटाबाद में छुपा कर बैठा था पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान वहां से ढूंढ के निकाला, बिल में छुपा हुआ था लादेन, छुपा के रखा था पाकिस्तान, उसे उस बिल से ढूंढ कर निकालकर वहां पर अमेरिका ने मारा। नीरज सर, अब ये देखिए, मुश्किल सिर्फ दाऊद इब्राहिम की नहीं है,
मुस्तकिम दिल्ली में पकड़ाता है, बलरामपुर से उसका कनेक्शन आता है, आईएस के इशारे पर स्लीपर सेल खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। यह जो बड़ा नेटवर्क है सर, यह कैसे कंट्रोल में आएगा? बगदादी तो चला गया, लेकिन आईएस हिंदुस्तान में जो अपनी पैठ मजबूत कर रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का भी कनेक्शन है, टेरर फंडिंग, ये कोई नई बात नहीं है। ये तर्कविदित है कि बिना टेरर फंडिंग के टेररिज्म पनप ही नहीं सकता है। और 1993 का जो सीरियल ब्लास्ट था बॉम्बे का, उसके पीछे भी जो फंडिंग थी वो कहां से आई थी, कैसे आई थी और उसके पीछे कौन लोग थे, इस चीज का पूरा सबूत सारी दुनिया के सामने है। उसी तरह 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में, उसके पीछे कौन लोग थे, ये सब रिकॉर्डेड है, सब कुछ सारी दुनिया के सामने है। और आप किसी से, किसी भी टेररिज्म के एक्सपर्ट से, किसी भी मुल्क के टेरर एक्सपर्ट से अगर आप पूछेंगे तो वो ये बताएगा। जहां तक बात अभी आईसिस के एक टेररिस्ट की है, मुस्तकीम की, उसको पकड़ा है काफी एक लंबे, 2 साल के लंबे ऑपरेशन के बाद दिल्ली के पुलिस ने, और उस पर लगातार नजर बनाए रखे हुए थे। 2 प्रेशर कुकर बॉम्ब लेकर वो दिल्ली आया, उसके बाद वो पकड़ा गया, उसके बाद वो उससे बम रिकवर हुए। जब से घर पर बलरामपुर में जब छापे पड़े तो तमाम और चीजें मिली, जिससे इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल, इतने वेपन्स थे कि पता नहीं किस किस टेरर इंसिडेंट्स का अंजाम दे पाता। तो इन सबों के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, ये बात सारी दुनिया को पता है। और जब भी कोई टेरर इंसिडेंट होता है दुनिया के किसी हिस्से में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया जानती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने सर, लेकिन पाकिस्तान का दरअसल में डीएनए ऐसा है कि वो कुछ भी कहिए वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। मैं आ रहा हूं जीडी बख्शी सर, उससे पहले दिलीप सर, ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारे मुस्तकिम हैं जो कि छिपे हुए हैं, उनको ढूंढना जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी हद तक इस टाइप के स्लीपर सेल्स अलग अलग एरिया में छुपा के रखे गए हैं, एंड उसको लेके डेफिनेटली ये इस मुस्तकीम का पकड़ा जाना एंड नहीं है। अभी तो काफी और भी ऐसे केसेस होते रहेंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान किस चीज को एक्सप्लॉइट करता है इंडिया में। पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है एक तो यहाँ के अंडरवर्ल्ड को, दाऊद इब्राहिम यहाँ का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का आदमी था मुंबई का, उसको एक्सप्लॉइट किया बॉम्बे ब्लास्ट में। अभी बहुत सारे ऐसे हमारे माइनॉरिटीज के लोग हैं जो कि काफी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलग्न होते हैं, उन्हीं को ये लोग रिक्रूट करते हैं, उन्हीं को ये लोग यूज करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से देश को, हमारे देश को में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आप सोचिए कि पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क नहीं है दुनिया में जिसको हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ आतंकवादी करने का इंसेंटिव है, केवल पाकिस्तान को है। तो ये जो पाकिस्तान बार बार कहता है हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, ये तो बेकार की बात है। ये तो वो कहेंगे, उनको और कुछ कहने के और कुछ है ही नहीं उनके पास ये कहने का। एंड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो हमारे माइनॉरिटीज को भड़काते हैं, और उनको उनके माध्यम से, और हमारे अंडरवर्ल्ड, और ये अंडरवर्ल्ड भी काफी हद तक माइनॉरिटीज डोमिनेटेड रहा मुंबई में, जिसका इन्हें 2 दफे यूज किया, 93 में भी और 26/11 में भी। तो इसलिए ये तो इनकी एक कंटिन्यूअस रणनीति है। और ये अब जब ये अंडर प्रेशर हैं फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज कि इनकी एड बंद हो जाएगी, तो पाकिस्तान की अगर एड बंद हो गई तो पाकिस्तान का सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा। उसे एड की चिंता है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी फंडिंग बंद हो जाएगी, उसको कर्ज मिलना बंद हो जाएगा, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट से ब्लैकलिस्ट ना हो जाए। लेकिन 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से उसने पलटी मारी है कि यहां कुछ भी नहीं है और हम आतंकियों के खिलाफ बहुत गंभीर है, जो कि उसका बिल्कुल दोमुहापन दिखाता है, डबल स्टैंडर्ड दिखाता है, और एक बार नहीं सालों से वो यही करता आ रहा है, लेकिन क्या इस बार भी वो ये करने में कामयाब हो पाएगा क्या? क्योंकि दुनिया के सामने, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है कि वो पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान है, वो आतंकिस्तान है। कैसे लगाम लगेगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक।
तो आज एनकाउंटर में बहस हो रही है कि हिंदुस्तान में कितने स्लीपर शैतान हैं, दाऊद और बगदादी के किसके कितने आतंकवादी हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उज्जवल निकम सर। ये दाऊद इब्राहिम के बारे में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान की सत्ता में भी, पाकिस्तान की हुकूमत में भी यह दखल रखता है। जब जावेद मियादाद खुलकर कहते हैं इमरान खान तुम्हें पीएम तो हमने बनवाया, तुम भिखारी हो, इमरान खान चुप लगा जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि इतनी दखल है दाऊद की पाकिस्तान में। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह से आज पाकिस्तान ने यू टर्न लिया, हाँ, उसका मतलब है आज ही पाकिस्तान सरकार पर पाकिस्तान आर्मी का बड़ा प्रेशर है, और वही प्रेशर की वजह से ही आज तक हमने यही देखा है कि पाकिस्तान से हमेशा आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाता है। जहां तक अजमल कसाब की बात मैं करूंगा, हाँ, तो जब अजमल कसाब ने और डेविड हिडली की जब हमने गवाही कोर्ट में ली, तब गवाही देखिए पाकिस्तान ने हमें कहा कि भाई हाफिज सईद और जकीर रहनुमा लक्की के खिलाफ हमें संगीन सबूत दो। पहले तो साजिश उनके यहाँ हुई थी, साजिश के सबूत तो उन्होंने ढूंढने चाहिए थे। फिर वापस हम जब इस्लामाबाद से वापस भारत में आ गए इंडिया में, तब हमने डेविड हिडली की गवाही वीडियो लिंक से ली। डेविड हिडली ने कुछ ऐसे संगीन डॉक्यूमेंट दिए, जो ईमेल करेस्पॉन्डेंस था जो लश्कर तोयबा डेविड हिडली में हुआ था। एक मैं एक ईमेल आपको याद दिलाता हूँ। जैसे 26/11 का हमला होने के बाद डेविड हेडली ने पाकिस्तान ने इसको नजर कैद में रख दिया था, हाफिज सईद को, जकीर रहनुमा लक्की को। तभी डेविड हेडली ने ईमेल से लश्कर तोयबा को ऑपरेटर को पूछा, क्या बड़े चाचा और छोटे चाचा का क्या होगा, बड़े अंकल? हाँ। फिर उस लश्कर तोयबा के ऑपरेटर ने बताया, आप चिंता मत करो, ये सिर्फ धूल झोंकने के लिए सरकार ने किया है, हाँ, हमें एश्योरेंस मिल गया है, ये ऑन रिकॉर्ड बाकायदा डॉक्यूमेंट है। फिर हमने सवाल उसको किया कि ये बड़ा चाचा कौन, बड़े अंकल किसको कहते हैं? हाँ, हाँ। उसने हाफिज सईद का नाम बताया, छोटे अंकल किसको कहते हैं, जकीर रहमान लक्की का नाम बताए। ये ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ डेविड हेडली ने गवाही दी है, और ये गवाही सिर्फ बंबई में नहीं, शिकागो कोर्ट में, शिकागो कोर्ट में प्ली बार्गेन के अंदर डेविड हेडली ने गवाही दी है। तो ये पाकिस्तान के पता नहीं कितने चाचा है, पाकिस्तान के कितने भतीजे हैं जिसको पाकिस्तान पाल रहा है। शाहनवाज हुसैन जी, आपको लगता नहीं कि अब ये सही माकूल वक्त आ गया है जब पाकिस्तान खुद कबूल कर रहा, भले वो यू टर्न मारे कि दाऊद वहां पर छिपा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर दाऊद को वहां से भारत लाया जाए? शाहनवाज हुसैन जी, देखिए पाकिस्तान हर आतंकी का चाचा है और हर आतंकी उसके भतीजे हैं। ये चाचा का देश है, आतंकी चाचा का। इस देश का कारोबार आतंकी है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ आतंक है। टेररिज्म के अलावा वो कुछ जानते नहीं, और जानकर भी वो बातों को छुपाते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया में जितनी एक्टिविटी है, यहां भी जो आईएसआईएस का एक आतंकी पकड़ा गया है, उसकी भी तार वहीं से जुड़ी हुई है। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ नहीं सकता, अपने आप को एटम मुल्क कहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसकी हेकड़ी निकाल दी जब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। एटम मुल्क कहां हो तुम, बालाकोट में घुसकर मारा तो ये उसकी हेकड़ी निकाली कि कहां एटम मुल्क हो। पाकिस्तान अब पूरी तरह से एक पूरे दुनिया के अंदर आतंकियों की छुपने की जगह है, और वहां सब लोग जानते हैं कि कौन सा आतंकी है, कहां रहता है, लेकिन वहां की अदालत भी प्रोटेक्ट करती है, आईएसआई भी करती है, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी करती है। पाकिस्तान पिछले 10 साल में अमेरिका तक को बेवकूफ बना चुका है, सऊदी अरब को बेवकूफ बना चुका है, सब लोग इसको पहचान गए। नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर जो नकाब था उसको हटा दिया है। अब इस्लामिक वर्ल्ड के लोग भी जानते हैं कि भारत में बड़ी तादाद में पाकिस्तान आतंकी भेजता है। हाँ। और अमेरिका को जो इसने अफगानिस्तान के नाम पर बेवकूफ बनाया, हथियार लिया, कहा उनको कि हम मदद करेंगे अफगानिस्तान में, और वह सब हथियार का उपयोग बॉर्डर पर आकर करता है, आतंकवादियों की ट्रेनिंग में करता है। इसलिए अमेरिका में भी ये बहस है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इमरान खान के मुंह पर कह दिया था कि जितना हमको अपेक्षा इनसे थी, पाकिस्तान उस पर खड़ा नहीं उतरा। इसलिए दुनिया में चाइना के अलावा इनका गुलाम अब्बास साहब, अब पाकिस्तान कहां कहां किस किस फोरम पर बेइज्जत होगा। अब तो सऊदी अरब ने भी बेइज्जत कर दिया, बाजवा साहब गए थे मुंह लेकर वापस आ गए, परेशान करता है, क्राउन प्रिंस ने मिलने तक से मना कर दिया, बेल आउट करते हैं पाकिस्तान।
चाचा जी को कहिएगा कि चुप करें, मेरी बात पूरी होने दे, मैंने इनकी बात सुन ली, इन्होंने हमें चाचा बना दिया। बीजेपी वाले आरएसएस वाले भतीजे नहीं है हमारे, पे सबसे बड़े दहशतगर्द तो वो है मोदी भक्त है ना, जो मोदी भक्त को कुछ समझ नहीं आता, इनके से पाकिस्तान के अलावा इनको कुछ चीज नजर नहीं आता। मेरे भाई बात सुनो, भतीजा जी बात सुनो, इनको कुछ चीज नजर नहीं आता। मेरे भाई बात सुनो, भतीजा जी बात सुनो, चाचा नहीं आतंकियों के चाचा है। फिर आरएसएस से बड़ा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है भाई मेरे? अगर आप ये कहते हैं ना तो आपके पास हमारे लोग हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। हाँ, आप हमें वो सौंपे, आप तो आपके पास तो वो खुले आप फिर रहे हैं। आपको पता है कि एलके अडवाणी के खिलाफ 1948 में एफआईआर दर्ज, आप वो एलके अडवाणी को हमें सौंप सकते हैं? आपको पता है इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले अडवाणी जी का नाम मत लो, आरएसएस और बीजेपी का नाम मत लो, आप लोग के जबान पर आतंकी समय में आते हैं। अरे पूरे दुनिया में आपको देखते हैं, दुनिया में पाकिस्तानी अगर कहीं भी जाए पासपोर्ट देखते हैं उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं, जाना जाता है ये आतंकियों का चाचा आ गया। आप आतंकियों के चाचा हो चाचा जान, आप चाचा एलके अडवाणी के खिलाफ 1948 में एफआईआर दर्ज हुई थी कायद आजम के मामले में, आपको पता है ना? एलके अडवाणी जी के खिलाफ जबान मत खोलो, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, आतंक के खिलाफ हैं। हमारी सरकार ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, सऊदी अरब जो इस्लाम के नाम पर आपकी मदद करता था वो भी अब आप पर यकीन नहीं कर रहा। जब सऊदी अरब यकीन नहीं कर रहा, अब अमेरिका सऊदी अरब से तो बेइज्जत होके बाजवा साहब गए हैं, पर यकीन करने को सऊदी अरब से बेइज्जत होके गए बाजवा साहब, लात मारकर भगा दिया सऊदी अरब ने पाकिस्तान को, जनरल बाजवा को उल्टे पैर लौटा दिया। जीडी बख्शी साहब, जीडी बख्शी साहब, किंग शाहनवाज हुसैन जी ने दुखती रख पर हाथ रख दिया पाकिस्तान के, आतंक के चाचा कह दिया, आतंक के चाचा कह दिया, तो गुलाम अब्बास साहब को मिर्ची लग गई। जीडी बख्शी साहब देखिए साहब, ये शाहनवाज साहब ने जो हकीकत है वो बयान की है, दुनिया जानती है कि ये मुल्क एक टेररिस्ट स्टेट है, ये एक माफिया बन चुका है, दुनिया भर में कहीं भी आतंकवाद का कोई इंसिडेंट हो उसके तार सीधे और सीधे आपको पाकिस्तान से जुड़ते मिलेंगे, कहीं भी हो और वहां से जुड़े। देखिए साहब, बड़ी तहजीब से हमने आपको सुन लिया, अब आप जरा हमारी तहजीब पे आ जाइए और डिबेट में सारी बात होती है, ठीक है साहब? कीजिए। मैं कह रहा था कि देखिए साहब, ये जो कानूनी कार्रवाई की हम उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे वाहियात मुल्क से, वो मेरा ख्याल एक बड़ी भारी भूल, डोजियर से डोजियर हमने भेजे, बाई द टन डोजियर भेजे, इनकी कोर्ट ने उनको रिकॉर्ड पे लेने से मना कर दिया और बोला कि ये फिक्शन है, ये तो मतलब मजाक बना के रखा है किसी भी कानून के सिस्टम का। अब एक ही कानून पाकिस्तान पे लागू हो सकता है और वो है जो अमेरिका ने एबाटाबाद में ओसामा बिन लादेन के पर खिलाफ किया था, इन्होंने लाखों करोड़ डॉलर खाए अमेरिका के और ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काबुल से 800 गज दूर एक आलीशान 4 मंजिले मकान में बिठा के रखा था। अमेरिका ने उसे ढूंढ निकाला, अमेरिका ने उसे ठिकाने लगाया। तो क्या ये हिंदुस्तान के लिए मुश्किल है क्या सर? पता है, अब हमारे पास रफाल आ गए हैं, मैं समझता हूँ अब हमको ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और दाऊद इब्राहिम को उसके कीड़े की सजा मिलनी चाहिए। ये कानून ही पाकिस्तान को समझ आएगा और यही कानून पाकिस्तान। चलिए हम इस डिबेट को, इस बहस को जारी रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ सकती हैं सोनिया गांधी, पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए यह कहा गया है सोनिया गांधी की तरफ से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह फैसला संभव है। कल सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और उस बैठक में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने पद संभाला था और लगातार चर्चा चल रही थी कि जल्द से जल्द कांग्रेस को नया अध्यक्ष चुनना होगा।
और अब सोनिया गांधी ने भी कह दिया है कि वो अध्यक्ष पद छोड़ना चाहती हैं, नया अध्यक्ष बनना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये फैसला हो सकता है और खबरों के मुताबिक कल सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और उस बैठक में कुछ ऐलान हो सकता है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष पद पर कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, हम वापस एनकाउंटर में अपने डिबेट पर लौटते हैं। मैं नीरज सर आपके पास आना चाहूंगा। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में इन आतंकियों की टेरर फंडिंग को और इनके स्लीपर सेल के नेक्सस को तोड़ने का उपाय क्या है? उपाय देखिए, आपको पता है पाकिस्तान एक हमारा एनिमी स्टेट है। हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि हम कराची में जाकर कोई एक ऐसा ऑपरेशन करें और जाके क्लिफ्टन से दाऊद इब्राहिम को पकड़कर उठाकर ले आए। वो एक ओपन एक्ट ऑफ वॉर होगा जो हम अभी तक अवॉइड करना चाहते हैं। अभी तक वो स्थिति पैदा नहीं हुई है कि हम ऐसा कोई ऑपरेशन करें। और उन पर उनके दिमाग में ये बात तभी आएगी जब पूरे पूरा विश्व उनको एक आइसोलेट करके उन पर एक प्रेशर बनाएगा, जैसा कि अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बनाया जी। जबकि उनको वो मजबूर होना पड़ा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो दाऊद इब्राहिम उनके कंट्री में है जी। इस बात का फायदा उठाकर हमें जो एक हमारे सामने जो तरीके हैं इंटरपोल के द्वारा या यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से जो भी इन पर प्रेशर बन सकता है हम बनाएं, क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं है कि एक जैसा अबोटाबाद में अमेरिका ने ऑपरेशन किया वैसा ऑपरेशन करे, वैसी स्थिति अभी नहीं आई। हाँ, यानी इंटरनेशनल प्रेशर बनाने का ये सही समय है उसको आइसोलेट करने का। दिलीप सर सवाल यह भी है दिलीप सर कि ये देखिए, ये पाकिस्तान ये 2012 में भी ग्रे लिस्ट में जाता है, अब जो खबरें आ रही है कि एफएटीएफ के डर की वजह से ऐसा कर रहा है, ये 2012 में भी ग्रे लिस्ट में जाता है, उसके बाद कहता है कि नहीं साहब हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हाफिज सईद को हम गिरफ्तार कर रहे हैं, कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, लेकिन सब का सब ढकोसला, सिर पर सिर्फ पैंतरेबाजी। ऐसी स्थिति में जो मुल्क मानने को तैयार नहीं, जो मुल्क सुधरने को तैयार नहीं, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये इंटरनेशनल प्रेशर तो बढ़ाना ही चाहिए, इधर इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इन लोगों के प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की काफी मदद करी थी अफगानिस्तान ऑपरेशन में। और वो उसका फायदा उठाते रहते हैं और उसका फायदा उठा के काफी हद तक कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो पाती क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट रहता है। यहां तक कि जैसे अभी बात हो रही है कि अबोटाबाद में इनका जो सबसे वांटेड मैन था अमेरिका का, उसको इन्होंने छुपा रखा था एंड उनको स्पेशल ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ा, पर फिर भी उसके बाद भी अमेरिका थोड़ा सॉफ्ट रहता है टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये सोच के कि अफगानिस्तान ऑपरेशन में इनकी काफी मदद की है एंड उनको एक लगता है कि एक हमारा बेस है यहां एशिया में। बट जो इसमें मेन चीज ये है कि अब इवन अमेरिका को समझना चाहिए कि ये जो आतंकवाद का बढ़ावा है वो फिर कंट्री टू कंट्री डिफरेंशिएट नहीं करता, इवेंचुअली वो अमेरिका के लिए भी एक खतरा है। पूरे जिस हिसाब से इनकी टेररिज्म है, ये केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा है। और तभी अब धीरे धीरे जब ये अमेरिका को भी ये बात समझ में आ रही है तो उन्होंने ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स और इनके जरिए उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप इसको खत्म करिए। जीडी बख्शी सर ये दुनिया में एफएटीएफ हो रहा है की कार्रवाई पाकिस्तान ग्रे से ब्लैकलिस्ट में जाएगा, हम न जाने कितने दिनों से सुन रहे हैं, और ये बेवकूफी बना रहा है पाकिस्तान। क्या ये सिर्फ डर पाकिस्तान को एफएटीएफ का है इस बार, या फिर से सारी दुनिया को बेवकूफ बना के वो निकल जाएगा और हम सिर्फ बहस करते रह जाएंगे? देखिए, एक फर्क बड़ा आ रहा है कोरोना के बाद। पाकिस्तान वो छिड़े छिड़े देशों में से है जो चीन के बड़े फक्के और जो है पिछलग्गू बन गए। अगर पिछलग्गू गिरे जाए चीन के तो मात्र तीन है जो मुख्तलिफ पिछलग्गू है, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और अब नेपाल। ठीक है साहब,
पाकिस्तान इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के गलत समय की वो आ रहा है, वो सोच रहा है कि शायद चीन जो है अमेरिका पे हावी होगा और पाकिस्तान जो है उसका कुछ लघु चमचा बंदे से बड़े सारे डिविडेंड रीप करेगा। ये इनको जो रियलिटी चेक है, सऊदी अरेबिया ने झटका दिया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स झटका दे रही है, इकोनॉमी तबाह हो रही है। गुलाम अब्बास साहब को स्क्रीन पर लीजिए। गुलाम अब्बास साहब, आपने अमेरिका को बहुत बेवकूफ बना लिया। अमेरिका ने तो खैर घुस करके अंदर खोज निकाला और मार डाला उसामा बिन लादेन को। चीन भी अब कह रहा है कि नहीं साहब, आप अब आतंक के मसले पर मैं बहुत ज्यादा बचाव नहीं कर सकता। सऊदी अरब ने क्या किया दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान को इतने तमाचे पड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सच क्यों नहीं कबूल करता गुलाम अब्बास साहब? अच्छा, जीडी बख्शी साहब का मैं पहले रिस्पॉन्ड दूंगा, क्योंकि मैं पहले बोलना चाह रहा था, मुझे मौका नहीं दिया गया। जीडी बख्शी साहब, गलती भी ना कीजिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की बड़ी मार पड़ेगी। अभिनंदन को कम पड़ी थी, अब बहुत पड़ेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए ये गलती ना कीजिएगा जीडी बख्शी साहब, और बीच में ना बोलिएगा मैंने आपकी आराम से सुनी। अब आप भी हिम्मत रखिए और हौसला रख के सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया भारत। मोदी जी जब भी आए थे उस वक्त से ये लॉलीपॉप अपने जो लोग हैं उनको दे रहे हैं कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। पहले नेपाल आपके पास से निकला, श्रीलंका निकला, बांग्लादेश निकला, चीन आपके ऑलरेडी खिलाफ था। ये सारे लोग जो आपके खिलाफ हो रहे हैं वो आपको कह रहे हैं कि ये गलत सीमत पे जा रहे हैं। जो आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपके धौंस में, आप लद्दाख दे नहीं सके। आप नेपाल जैसा मुल्क जो है, जो जिसको कहा जाता था कि वो शायद इंडिया की कॉलोनी है, लेकिन जब उन्होंने फैसला किया कि हम इंडिया के जेरे असर नहीं रहेंगे, तो उन्होंने आपके लोगों को सर जवाब दीजिए जल्दी से। अब्बास साहब देखिए, थोड़ी जो एक हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सीरियल आया था जिसमें कि एक चमगादड़ बैटमैन दिन में सुहाने सपने लिया करता था, बुंदेली लाल के हसीन सपने उसे कहा जाता था। कभी आपको मैं हिदायत दूंगा कि जरूर वो सीरियल देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत लुत्फ आएगा आपको, और ये जो सपनों की दुनिया से बाहर आ जाएंगे। तो अरे देखिए, मैंने आपको बड़े प्यार से सुना जनाब, मैं आप ही सुनने की हिम्मत रखिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की दुनिया से बाहर आइए, आपकी इकोनॉमी तबाह हो रही है। एक आपकी अगर भारत से लिमिटेड वॉर ही हो गई, आपका जो मुल्क है इट विल बी फ्लश डाउन द ट्यूब ऑफ हिस्ट्री। प्लीज, मैं आपको नसीहत दे रहा हूँ, मेरे बाल सफेद है, 70 साल मैंने देखी है और ज्यादातर लड़ाई के मैदान देखे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रियलिटी चेक करिए, आप गलत जा रहे हैं। दुनिया चीन से परेशान है, 130 देशों ने चीन के खिलाफ जो है कोविड के लिए इंक्वायरी मांगी। जापान से वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, ताइवान से लड़ने की कोशिश कर रहा है। उज्ज्वल निकम सर, उज्ज्वल निकम सर, ये तो वही पाकिस्तान है ना, कि जो कि अपने बाप को भी बाप मानने से भी इनकार कर दे। कसाब कहता था कि कसाब तो हमारा है ही नहीं, इससे हम क्या उम्मीद करें? उज्ज्वल निकम सर, ये जो 88 आतंकियों की सूची जिसमें दाऊद इब्राहिम भी है, क्या इनसे, क्या इन पर यकीन करें हम? पाकिस्तान से हम कुछ ही उम्मीद नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ये। रहा सवाल अभी दाऊद इब्राहिम का, पाकिस्तान और हमारे देश में तो कोई एक्सट्रैडिशन चिट्ठी नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है और डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन यानी पाकिस्तान ने खुद उसको हकाल देना चाहिए, वो तो मुमकिन नहीं है। फिर अभी जो फाइनेंशियल एक्शन जो है, फाइनेंशियल एक्शन ने जो कदम उठाया है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, की भीति से, डर से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये एक्सेप्ट कर लिया और पूरा पता दाऊद इब्राहिम का खोल दिया। अगर पाकिस्तान ने आज यू टर्न ले लिया, यही हमें अभी राजनीति की कूटनीति करना चाहिए और हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बताना चाहिए, देखिए अभी भी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। कल शाहनवाज हुसैन जी, क्या एक और स्ट्राइक चाहता है क्या, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान? शाहनवाज हुसैन जी, अगर ये नहीं सुधरा तो भाई मरे को सुनिए, मरे को क्या मारेंगे, आप जानते हैं हम भारतीय लोग हैं, ये तो खुद ही मर रहे हैं। इनके लिए ये जरूर है कि खैरात जो सऊदी अरब से मिलता था, कुर्बानी का चमड़ा, इन सब से जो खैरात मिलता था वो बंद हो गया, तो हम कुछ बचे हुए खाने और कुछ पुराने कपड़े इनके यहाँ गिरा सकते हैं अगर जरूरत होगी, क्योंकि जैसे बाढ़ में मदद करते हैं, भूकंप में करते हैं, पाकिस्तान की तो आज हालत ये है
कि इनके पास सऊदी अरब से नाता कट जाने के बाद न खाने को दाना है न तन पे कपड़ा है, सिर्फ जबान है लंबी लंबी और कुछ इनके पास नहीं है। गुलाम अब्बास साहब, अब तो सऊदी अरब की गुलामी भी खत्म हो गई, हम लोग पाकिस्तान अपने ही बोझ तले दब जाएगा। हम तो जानते हैं कि इनको किस जबान में जवाब देना है, दिया है, और जब जैसा इलाज होगा डॉक्टर मोदी आपका इलाज करेंगे, फिक्र मत कीजिए, एक अच्छे डॉक्टर मिल गए हैं। डॉक्टर मोदी आपका इलाज कर दिया ना, अमेरिका और सऊदी अरब के बल पर कूदते थे, अच्छी सर्जरी हो गई, पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक से सर्जरी हुई, बालाकोट हो गया। अब नीरज सर देखिए, जिस खैरात की बात हो रही है, सारी टेरर फंडिंग पर रोक लग गई, इसलिए बौखलाहट है। और अगर टेरर फंडिंग, IMF, वर्ल्ड बैंक सब जगह से इनको कर्ज भी मिलने बंद हो गए, तो फिर कहां का रहेगा पाकिस्तान? इस बात को क्यों नहीं समझता कि दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो हमें आतंकियों को पनाह देना बंद करना पड़ेगा। अब ये इसका जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों नहीं करता। हाँ। ये सवाल तो उन्हें पूछना चाहिए। लेकिन एक बात इस पूरे बहस में मैं कहना चाहता था कि पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी ऐसे आदमी को हमें वापस कर दे या उसका एक्सडाइट करा दे जिसने कि उनको मदद की हो, क्योंकि एक बार अगर उसने किसी एक ऐसे आदमी को हमें वापस कर दिया तो आगे से कोई भी आदमी हिंदुस्तान का उनकी मदद नहीं करेगा। तो हमारे लोग के डिसअफेक्शन का फायदा उठाकर जिसका गैर इस्तेमाल पाकिस्तानी करते थे, और अगर उनको ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान अगर प्रेशर में आया तो वो हमें वापस हिंदुस्तान को दे देगा, तो आगे से वैसा कोऑपरेशन, वैसा सपोर्ट उनको कहीं से मिलने वाला नहीं है। यानी दहशतगर्दों को ये लगेगा कि अब पाकिस्तान जो है सेफ जोन उनके लिए नहीं रहा, इसलिए भी पाकिस्तान नहीं सौंपना चाहता। बड़ी बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ एनकाउंटर में जुड़ने के लिए। अब देखना यह है कि 24 घंटे के पहले जो पाकिस्तान यूटर्न मान लेता है, जो कि 27 सालों में पहली बार यह मानता है कि दाऊद इब्राहिम उसके यहां पर छिपा हुआ है, और उसके बाद कहता है कि नहीं साहब ये तो हमने कहा ही नहीं, ऐसे पाकिस्तान पर कैसे यकीन किया जाए। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि लोग कह रहे हैं कि कम से कम उसने उस सूची में 88 आतंकियों के माना तो सही, अब इंटरनेशनल दबाव बनाकर हिंदुस्तान को दाऊद को वहां से खींच कर लाना चाहिए। सिर्फ दाऊद को ही नहीं, जितने भी आतंकी हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, लखवी हो या जो भी हो, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, सिर्फ दिखाने की नहीं, वाकई में हो, और ये पूरी दुनिया के लिए सही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एनकाउंटर में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।